हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरए फटा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ, अगर अभी तक आपने जेआरए फटा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से कर लीजिए। फ्री क्विज, क्लासेस, फ्री टेस्ट आप सभी को यहाँ पर मिलते हैं, तो जल्दी जाइए और जेआरए फटा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। साथ ही एटम 2.0 बैच पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट सीरीज के साथ आपको 13999 में मिल रहा है। हैंडबुक के साथ जो बच्चे जो है अब दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, 6 महीने का समय जो है कम से कम आपको चाहिए यह एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, क्योंकि अब तो यूजीसी नेट का पैटर्न भी है जो है वो चेंज हो गया है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इतना समय तो लगता ही है। सिमिलरली अगर पेपर 2 आप चाहते हैं, 9999 में आपको अवेलेबल है विद हैंडबुक, तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रिज्मैटिक साला मॉडल की आज बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन है, 20 मिनट में कॉन्सेप्ट जो है आप समझ के जाएंगे यहाँ से। इस चीज पर बात करते हैं जल्दी से, आ जाइए सब लोग फटाफट। प्रिज्मैटिक सोसाइटी साला मॉडल पर आज बात करते हैं। देखिए बेसिकली क्या था, एफडब्ल्यू रिग्स ने ना दो तरीके की सोसाइटी दी थी, एक एग्रीगेरिया और एक इंडस्ट्रिया। एग्रीगेरिया इंडस्ट्री, एग्रीगेरिया सोसाइटी वो जो की एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो विच वॉज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पार्ट। ओके, सो एग्रीगेरिया और इंडस्ट्रिया तो ठीक था, लेकिन बीच का पोर्शन था उसके बारे में जो है कहीं पर बात नहीं गई कही गई थी, इसलिए जो है इस मॉडल का क्रिटिसिज्म हुआ, और जिस वजह से पेड्रिक्स ने मॉडल दिया फ्यूज्ड प्लस आपका ट्रांजिशनल पार्ट जो था यानी बीच का पार्ट था, उसके लिए प्रिज्मैटिक सोसाइटी का मॉडल दिया और आपका दिया डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मॉडल। यानी कुल मिलाकर अब क्या हो गया आपके पास, अब आपके पास तीन चीजें हो गई, फ्यूज्ड, डिफ्रैक्टेड, फ्यूज्ड प्रिज्मैटिक और डिफ्रैक्टिव। ठीक है, इसी पे बात करते हैं। प्रिज्मैटिक साला मॉडल जो है वो बेसिकली इंट्रैक्शन के लिए देखा गया, इंट्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद एनवायरनमेंट। ये था प्रिज्मैटिक सोसाइटीज जो देखना, जो बेसिकली प्रिज्मैटिक सोसाइटी के अंदर देखा जाना चाहिए था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट के साथ कैसा बिहेव करता है। ठीक है, और इसी के साथ प्रिज्मैटिक सोसाइटी जो है वो हमारी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम से बनी हुई होती है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो प्रिज्मैटिक सोसाइटी के अंदर होते हैं उनको सला मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो आपके फ्यूज सोसाइटी होते हैं उनके अंदर जो आपके सब एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम होते हैं उसको चेंबर कहा जाता है। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब सिस्टम होते हैं उनको ब्यूरो कहा जाता है। ये 2023 का क्वेश्चन है यहीं से, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। तो सला जो है ना वो आपका स्पैनिश वर्ड है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनैलिटी और एफिशिएंसी जो है वो आपकी कहाँ देखने को मिलती है, ज्यादा ब्यूरो के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया लॉजिकल तरीके से काम करना, एफिशिएंट तरीके से काम करना। लेकिन ये सारी चीजें एब्सेंट होती है सला मॉडल में, यानी कि सला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। सला जो कि प्रिज्मैटिक सोसाइटी के अंदर होता है ना, उसके अंदर नेपोटिज्म देखने को मिलता है, फेवरेटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और ये सब कहाँ देखने को मिलता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस में ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसी के वजह से जो है आपका सला मॉडल के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, देखिए मेन पार्ट पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ाती जा रही हूं, जो सला मॉडल में जो ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रिज्मैटिक सोसाइटी का सला मॉडल होता है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो पर्सनल एडवर्टाइजमेंट यानी कि सेल्फ हित, पर्सनल हित, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता सोसाइटी से, उनको कोई लेना देना नहीं होता सोसाइटी से। ठीक है, इस चीज को सब समझेंगे। साथ ही प्रिज्मैटिक सोसाइटी के अंदर ना तो जो सला मॉडल होता है इसके अंदर तीन फीचर है, तीन फीचर क्या है, हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म और ओवरलैपिंग, HFO। ठीक है, तो प्रिज्मैटिक सोसाइटी के अंदर हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। हेट्रोजेनिटी हाई डिग्री ऑफ मतलब कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है, डिफरेंट सिस्टम होते हैं। जहां हेट्रोजेनिटी, जेनेटिक का मतलब होता है डिफरेंस, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेट्रोजेनिटी जो फंक्शन है वो आपको देखने को मिलता है आपके प्रिज्मैटिक सोसाइटी के अंदर। फॉर्मलिज्म जो है, फॉर्मलिज्म यानी कि हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलिज्म बिटवीन डिस्क्रिपेंसी एंड प्रैक्टिसेस, जिसका मतलब है कि गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये देखने को मिलता है। जैसे कि कथनी और करनी में फर्क है ना, कि पेपर वर्क में कुछ लिखा है और काम जो हो ही नहीं रहा। पेपर वर्क में लिखा है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और वास्तविक में नहीं मिल रहा है। तो प्रिज्मैटिक सोसाइटी का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बोलूँ ना, आप इसको इंडिया ले सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर ये सब कुछ होता है। प्रिज्मैटिक सोसाइटी होता भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, जो एग्रीगेरिया सोसाइटी है ना वो होता है अंडर डेवलप के लिए। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी
जो कि आपकी वेल डेवलप्ड या फिर जो पूरी डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग प्रिंसिपल प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एग्रीगेरिया और इंडस्ट्रिया दोनों के ही फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस यहाँ पर ओवरलैपिंग का फीचर भी होता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर। साफ साफ लिखा हुआ है को एग्जिस्ट होता है इसके अंदर किसका, फ्यूज सोसाइटी के फीचर्स का और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के फीचर्स का। ठीक है, इसलिए जो है ये बोला गया है ओवरलैपिंग फीचर होता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। ओवरलैपिंग के भी 5 पार्ट होते हैं। नेपोटिज्म मैंने आपको बता दिया कि सला मॉडल के अंदर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये देखने को मिलता है। पॉलीनॉर्मेटिज्म यानी कि को एग्जिस्टेंस है कुछ मॉडर्निज्म का और कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स का, जैसे कि हमारे भारत के अंदर मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स भी है, वैल्यूज भी है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है वो पूरा डेवलप्ड कंट्रीज से भी, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी लिया गया है और फ्यूज यानी कि एग्रीगेरिया सोसाइटी से भी चीजें ली गई है, इसलिए यहाँ पर दोनों का मिक्सचर होता है। पॉलीकॉम्युनिज्म मतलब कि साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस यानी कि रिलीजियस ग्रुप के साथ साथ जो है आपके एथनिक ग्रुप्स भी इसके अंदर होते हैं, तो साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस यहाँ पर होती है। जैसे कि रिग्स क्या बोलते हैं इसी एग्जिस्टेंस को, क्लेक्ट्स बोलते हैं, क्लब प्लस सेक्ट, ये होता है जब आपके रिलीजियस ग्रुप के साथ साथ आपकी कम्युनिटीज भी यहाँ पर होती हैं मिली हुई। बाजार कैंटीन मॉडल के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात समझो, मॉल्स भी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं और बाजार भी है। सिंपल सा मतलब ये है, संडे बाजार, मंडे बाजार भी है और आपके शॉपिंग मॉल्स भी हैं, डीएलएफ भी है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बाजार कैंटीन में मॉडल में आती है क्योंकि मॉल्स वाला जो चीज है वो डिफ्रैक्टिव सोसाइटी में देखने को मिलता है और बाजार वाला चीज जो है वो एग्रीगेरिया सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो प्राइस इंटरडिटरमिनेंसी जो है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, कहाँ पर, आपके बाजार कैंटीन मॉडल के अंदर। ठीक है, यानी कि मूल्य अनिश्चितता यानी कि प्राइस के अंदर वेरी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूनिफॉर्म है, नहीं है, एक रूप सब कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको इंटरडिटरमिनेंसी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है प्राइसेस में, तब यहाँ पर बार्गेन अच्छे से हो जाती है। आई होप आप रिलेट कर रहे होंगे। अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल की बात करते हैं, यहाँ पर जो है कंट्रोल सिस्टम ज्यादा होता है, ज्यादा कंट्रोल सिस्टम होता है, अनबैलेंस पॉलिटी होती है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी भी यहाँ पर चलती है जैसे कि हमारे इंडिया में भी चलती है, और ज्यादातर प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है हाईली सेंट्रलाइज्ड होती है। हाईली सेंट्रलाइज यानी कि सेंट्रल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी, हमारा यहाँ पर सेंट्रल सेंटर जो है ना वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो यही सारे जो एग्जांपल्स थे, यही सारे जो फीचर्स थे जो थे प्रिज्मेटिक सला मॉडल के, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। इसी के साथ चेंज ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कहा जाता है जो चेंजेस है ना वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जब होते हैं, यानी कि कोई चेंज अगर एक्सटर्नल हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनस चेंज, अगर कोई चेंज इंटरनल हो रहा है उसको बोलते हैं एंडोजेनस चेंज। तो एक चीज जो है रिग्स ने कहा है कि एक चीज और होती है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चेंज होता है, उसको बोलते हैं एक्विजेनिक चेंज, उसको एक्विजेनेटिक चेंज बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे, यहाँ पर सम अनिवेशिक परिवर्तन बोला जा रहा है, एक्सोजेनस, अंतजेनस, ये सब आपके लिए भी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए रिग्स बोलते हैं कि हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म और ओवरलैपिंग वो ज्यादा होती है कहां पर, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, बाहर बाहर से, वेस्टर्न वर्ल्ड से ज्यादा होती है, इसलिए एक्सो प्रिज्मेटिक बोला जाता है उसको। ठीक है, और वहीं अगर इंटरनल ज्यादा होगी तो इंडो प्रिज्मेटिक कहा जाएगा। ठीक है, और रीजन ये होता है कि हमारे जो ऐसे जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज होती है ना वहां पर एंडोजेनिक चेंज जो है इफेक्टिव बिहेवियर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, और एक्सोजेनेटिक यानी कि बाहर तत्व से हम कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेंजेस जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर होते हैं ये आपको रिग्स ने यहाँ पर क्लियर करा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिवाइज प्रिज्मेटिक थ्योरी भी थी एक जो कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड की बात करिए F.W. रिग्स ने, उन्होंने बोला है कि पहले ना डिफरेंशिएशनल एक डिफरेंशिएशन डायमेंशन थी जो कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में थी, लेकिन उसके बाद टू डायमेंशन अप्रोच आ गई, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, ये दो चीजें जो है सब डिवाइड हो गई प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर, जहां पर जो है डिफ्रैक्टेड
डिफ्रैक्टेड सोसाइटी जो है वो इयो डिफ्रैक्टेड के नाम से जाने लगी, ऑर्थो डिफ्रैक्टेड के नाम से जाने लगी और नियो डिफ्रैक्टेड के नाम से जाने लगी। सिमिलरली प्रिज्मैटिक सोसाइटी भी इयो, ऑर्थो और नियो प्रिज्मैटिक नाम से जाने लगी। पहले सिर्फ डिफ्रेंसिएशन की बात होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया हेट्रोजेनिटी की बात, अब लेकिन इंटरग्रेशन की भी बात होने लगी, यानी कि जो है एकीकरण की भी बात यहाँ पर होने लगी। तो ये दो तरीके के दृष्टिकोण जो है डायमेंशन जो है रिग्स ने बताया प्रिज्मैटिक सोसाइटी रिविजिटेड में। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं भी क्लियर है तो इस तरीके के सेशंस में आपको और लाती रहूंगी, इसको प्लीज रिवाइज करना। एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब दो तीन बार रिवाइज करोगे ना, कंटेंट भी अच्छे से पढ़ोगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी अच्छे से पढ़ोगे, तो मेक श्योर आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना और बिल्कुल आपका फीडबैक जरूर चाहूंगी कि आपको समझ में आया, कितना समझ में आया। 8 बजे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के MCQs के सेशन होते हैं, आई होप आप इसको बिल्कुल ले रहे हो अटेंटिवली। साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक जो है आपके सामने है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। अपना इग्निशन बैच 25 अप्रैल 7 AM से शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यूअस यहाँ पर चल रही है। आई होप आप लोग इग्निशन बैच से जुड़ गए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स 10 साल की प्रैक्टिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।